हमारी आज की कहानी शुरू होती है आगरा से। और आगरा के छोटे से घर में रहता था अब्दुल। वो नौकरी करता था अंग्रेजों की जेल में। उसका काम उसे काफी पसंद था। एक दिन उसका सीनियर उसे बुलाता है। उसे कहता है कि रानी विक्टोरिया को एक मोहर देनी है और उसके लिए दो हिंदुस्तानियों की जरूरत है। इसलिए अब्दुल और उसके दोस्त को ये मौका दिया गया था। इनका सफर काफी लंबा होता है। उसके दोस्त का वहाँ जाने का खास मन नहीं होता, पर अब्दुल काफी एक्साइटेड होता है। वो रानी भी तैयार हो रही थी। इसके बाद सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और रानी भी आ जाती है। वो जल्दी से खाना शुरू करती है। एक के बाद एक अमेजिंग डिश पेश की जाती है। रानी बस जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसे खास दिलचस्पी नहीं है। इसी बीच अब्दुल से कहा जाता है कि उसे मोहर लेकर जाना है और अब्दुल जाकर मोहर को पेश करता है। रानी को इन सबसे कोई मतलब नहीं होता। इसी बीच अब्दुल उसे देखता है और रानी भी उसे देखती है और अब्दुल उन्हें देखकर स्माइल करता है। वही रानी अपने नौकरों को बता रही थी कि उन्हें अब्दुल काफी पसंद आया और फिर से उसे रानी के पास भेजा जाता है। पर इसी बीच अब्दुल नीचे झुकता है और रानी के पैरों को किस करता है। ये देखकर रानी काफी इम्प्रेस होती है, पर बाकी सब बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होते। अब्दुल पर काफी गुस्सा किया जाता है। पर तभी एक इंसान आता है और वो कहता है कि रानी को ये सब काफी पसंद आया, इसलिए वो चाहते थे कि अब्दुल अब नौकर बन जाए और रानी के आसपास रहे। तो वैसा ही होता है। वो रानी के काफी पास रहता है। इसी बीच वो रानी से बातें करता है। वो रानी को बताता है कि हिंदुस्तान में वो सारा दिन लिखने का काम करता है। उन्हें बताता है इस रूम का कार्पेट उसने ही सिलेक्ट किया था। वो रानी से काफी सारी बातें करता है। रानी को रियलाइज होता है कि काफी समय बाद किसी ने उससे अच्छे से बात की है। वो अब्दुल के दोस्त को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उसे घर की काफी याद आती थी। उसे यहाँ पर काफी ठंड भी लग रही थी। इसी बीच रानी और अब्दुल में दोस्ती होती है। उन्हें बताता है ताजमहल के बारे में और काफी सारी मॉन्यूमेंट्स के बारे में। उन्हें बताता है मैंगो के बारे में और रानी को उसका साथ काफी पसंद आ रहा था, इसलिए वो वापस आकर अपने नौकरों से कहती है कि उसे मैंगो खाना है। इसी बीच अब्दुल रानी के साथ स्कॉटलैंड जाता है। वो काफी सुंदर जगह थी, उसे वहाँ काफी अच्छा लगता है। इसी बीच जब वापस जाते हैं तो रानी के लिए हिंदुस्तान से एक बॉक्स आता है। उसमें इम्पोर्टेंट लेटर्स होते हैं। रानी को कहा जाता है कि अब्दुल को रूम से बाहर जाना होगा, पर रानी ऐसा करने से मना करती है। इसी बीच रानी अब्दुल को कहती है कि इसे हिंदी सीखनी है। उन्हें बताया जाता है कि हिंदुस्तान में काफी सारी भाषाएं हैं और अब्दुल को हिंदी और उर्दू आती है। इसी बीच रानी का बेटा आता है। उसे ये सब पसंद नहीं था। वो रानी को कहता है कि आप हिंदी नहीं सीख सकती, पर रानी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच वो अब्दुल को लेकर एक ऐसी जगह जाती है जो उन्हें काफी पसंद थी। उसे बताती है कि उसके पति के जाने के बाद वो काफी ज्यादा अकेली हो गई है। उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनके बच्चे उनसे प्यार नहीं करते। वो सब तो बस उसकी गद्दी के पीछे पड़े थे। उसे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में जीने की वजह नहीं रही। पर अब्दुल उसे बताता है कि जीने की वजह है और वो है सेवा। अपने लिए तो सब जीते हैं, पर किसी और के लिए बहुत कम लोग जी पाते हैं। और वो तो रानी है, वो तो कुछ भी कर सकती है। रानी को रियलाइज होता है कि अब्दुल एक काफी वाइज इंसान है। उसे कहती है कि तुम मेरे टीचर बनोगे, तुम मुझे उर्दू सिखाओगे। अब्दुल उसे बताता है कि वो तो एक नौकर है। पर रानी उसे बताती है कि आज से वो उसका नौकर नहीं रहेगा, वो उसका टीचर है। अब्दुल उसे बताता है कि टीचर को मुंशी भी कहा जाता है, इसलिए रानी उसे अपना मुंशी बुलाती है। वही रानी के बेटे को इस चीज से काफी एतराज था। वो काफी विद्रोह करता है, पर रानी उसकी नहीं सुनती। इसी बीच रानी को फ्लोरेंस जाना था, इसलिए वो अब्दुल और उसके दोस्त को साथ में ले जाती है। अब्दुल काफी ज्यादा खुश होता है, पर उसके दोस्त को ये सब पसंद नहीं था। अब्दुल उसे समझाता है कि जिंदगी में सबको आगे जाना है और उन्हें ये मौका मिला है, उन्हें दुनिया को देखने का मौका मिला है, उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। इसी बीच रानी अब्दुल को एक तोहफा देती है। एक छोटा सा लॉकेट होता है, उसमें रानी की तस्वीर थी। उसे बताती है मुझे तुम काफी पसंद हो, मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद है, तुम हमेशा मेरे साथ रहो और मुझे सेफ रखो। और अब्दुल उनसे कहता है कि वो हमेशा उन्हें सेफ रखेगा। और इसके बाद वो फ्लोरेंस देखते हैं। ये काफी सुंदर शहर था और देखते ही देखते वो रानी के बहुत पास आ गया था, पर बाकी सबको ये पसंद नहीं था। और इसी बीच रात में ये दोनों डांस कर रहे थे। अब्दुल उन्हें बताता है कि रानी उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, शायद उसकी पत्नी से भी ज्यादा। ये सुनकर रानी हैरान हो जाती है, क्योंकि उनके हिसाब से वो सिंगल था। इसके बाद रानी उसे हिंदुस्तान भेजती है और कहती है कि अपनी फैमिली को लेकर वापस आना। और ये काफी लंबे इंतजार के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर वापस आता है। उसके साथ उसकी मदर इन लॉ भी थी और एक दो नौकर थे। रानी उसके वापस आने से काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए वो उसे मिलने जाती है। उसे रहने के लिए घर दिया गया था। रानी के साथ उसकी पूरी फैमिली होती है। इन सबके बीच में एक फॉर्मल सी इंट्रोडक्शन होती है। सब लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि आखिर इसकी पत्नी दिखती कैसे थी। और सबके जाने के बाद रानी उसे पूछ ही लेती है कि तुम्हारी पत्नी कैसी दिखती है। अब्दुल उनसे कहता है कि आप हिंदुस्तान की रानी हैं और आप मेरी भी रानी हैं। ऊपर से आप एक औरत
पत्नी है, इसलिए आप मेरी पत्नी को देख सकते हैं। और रानी को ये मौका दिया जाता है, उसे बताती है कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर है। रानी को हिंदुस्तानी चीजें काफी पसंद आ रही थी और एक दिन प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने आता है। उन्हें दिखाती है अपने महल में ऐसी जगह जिसमें काफी सारी इंडियन चीजें थी। वो काफी ज्यादा खुश होती है। इसी बीच उन्हें एक मैंगो दिया जाता है, पर अब्दुल कहता है कि वो तो खराब हो चुका है। और शाम को एक काफी अमेजिंग सा प्ले होता है। ये सब चीजें रानी को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। वो सबसे कहती है कि अब जाकर उसे ऐसा लगता है कि वो सच में हिंदुस्तान की महारानी है। पर प्राइम मिनिस्टर को ये चीजें पसंद नहीं आती। रानी को बताया जाता है कि अब्दुल एक मुस्लिम है और कुछ ही समय पहले हिंदुस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो मुस्लिम को सपोर्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर रानी को काफी गुस्सा आता है। वो अब्दुल से पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मुझे ऐसा क्यों बताया कि मुस्लिम हमारे दोस्त हैं। अब्दुल उन्हें बताता है कि वो तो रानी का दोस्त है, वो रानी को सेफ रखना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। पर रानी उसे कहती है कि उसे वापस जाना चाहिए, उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये सुनकर अब्दुल को काफी दुख होता है। पर देर रात को रानी को लड़ाई सोता है कि उसे अब्दुल काफी पसंद है और वो बस उसको सेफ रखना चाहता था, उसे बुरा फील नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वो उसके पास जाती है और उसे रोक लेती है। वो कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमेशा यहाँ पर रहोगे। और अगली सुबह ये न्यूज बाकी सबको मिलती है। रानी का सबसे बड़ा बेटा उसे ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि पता करो अब्दुल की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इससे पहले वो क्या करता था और ये सब चीजें। इसलिए सबसे पहले अब्दुल के दोस्त को पूछा जाता है, पर उसका दोस्त उन्हें कुछ भी नहीं बताता, उसे अंग्रेज पसंद नहीं थे। रानी के बेटे को रियलाइज होता है कि ये तो काफी ज्यादा बीमार है और जल्दी ही इसकी मौत हो जाएगी। इन सब चीजों की खबर रानी को भी हो जाती है। रानी कहती है उसे सब कुछ पता है। इसी बीच वो डॉक्टर से कहती है कि मुंशी के अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर उसे चेक करो। इसी बीच डॉक्टर को रियलाइज होता है कि अब्दुल को एक बीमारी है। ये जानकर उसे काफी अच्छा लगता है। वो जल्दी से ये चीज सबको बताता है और रानी का सबसे बड़ा बेटा रानी को भी बता देता है कि मुंशी बीमार है, उसे वापस जाना चाहिए। पर रानी कहती है कि इनके पास इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, इसलिए मुंशी का इलाज किया जाए। ये सुनकर डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है, उसे मुंशी बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी बीच रानी के सारे घर वाले एक मीटिंग रखते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि किसी को तो रानी को बताना होगा कि उन्हें मुंशी को वापस भेजना चाहिए। इसलिए रानी की एक बहू उनके पास जाती है, उन्हें साफ साफ कहती है कि रानी और मुंशी की नजदीकियाँ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो रानी को पागल घोषित कर दिया जाएगा और उनसे उनकी गद्दी छीन ली जाएगी। अगर वो सपोर्ट नहीं करती है तो बाकी सब घर वाले उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर रानी को काफी दुख होता है और वो सबके पास जाती है। वो कहती है कि जिसको जाना है अभी चले जाए, पर यहाँ से जाने का मतलब ये होगा कि तुम्हें इस राज्य और इस गद्दी से कोई मतलब नहीं है। और ये सुनकर कोई भी वहाँ से नहीं जाता क्योंकि सबको अपनी पोजीशन और इतने सारे पैसे से प्यार था, इसलिए जैसे तैसे ये रानी की बात को मान ही लेते हैं। इसी बीच रानी की तबीयत भी खराब हो जाती है। सब जानते थे कि उनकी काफी ज्यादा उम्र हो गई है, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। इसी बीच रानी मुंशी से कहती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो चाहती है कि उनके आखिरी समय में मुंशी उनके साथ रहे। मुंशी कहता है कि वो हमेशा उनके साथ रहेगा और हमेशा उन्हें सेफ रखेगा। इसके बाद देखते ही देखते काफी सारा समय गुजर रहा था। रानी की उम्र काफी ज्यादा बढ़ रही थी, वो काफी ज्यादा बीमार रहने लगी और एक समय के बाद वो बिस्तर पे आ गई थी। वो छोटे छोटे काम नहीं कर पाती थी और अपने आखिरी वक्त में वो सिर्फ मुंशी से मिलना चाहती थी, इसलिए मुंशी को उनसे मिलने दिया जाता है। वो मुंशी को बताती है कि वो काफी ज्यादा डरी हुई है, एक समय पहले वो मरना चाहती थी पर मुंशी के आने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें रुकना चाहिए। उन्होंने काफी मुश्किल से अपनी सांस को पकड़ के रखा है। मुंशी उनसे कहता है कि उन्हें अपनी सांसों को जाने देना चाहिए, अगर एक बूंद समुद्र में नहीं गिरेगी तो उसे कैसे पता चलेगा कि समुद्र काफी बड़ा है। वैसे ही जिंदगी को छोड़ने के बाद उन्हें काफी अच्छी चीजें मिलेंगी, इसलिए उन्हें जाना चाहिए और खुशी खुशी जाना चाहिए। रानी मुंशी को थैंक यू कहती है। वो कहती है कि उन्होंने अपने बेटे की तरह उसे माना और उसका उनकी जिंदगी में आना उसके लिए काफी अमेजिंग था। इसके थोड़े ही समय बाद रानी की मौत हो जाती है और उनका सबसे बड़ा बेटा अब उनकी गद्दी को संभाल लेता है। मुंशी काफी ज्यादा दुखी था, उसे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। और रानी के सबसे बड़े बेटे का सबसे पहला ऑर्डर होता है मुंशी को वापस भेजने का। वो मुंशी की सारी चीजें जला देता है। वो चाहता था किसी को पता नहीं चले कि रानी किसी मुंशी को जानती थी। इसके बाद मुंशी को वापस जाना पड़ता है। वो आने वाले काफी समय तक हिंदुस्तान में रहता है और कुछ ही सालों में उनकी मौत हो जाती है और काफी समय बाद मुंशी और रानी की स्टोरी सबके सामने आती है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।